नए जो स्टूडेंट्स हैं जो प्लस टू पास आउट होकर के आते हैं, उन जो फिजियोथेरेपी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं। उन सब सवालों का आज मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली बात कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियोस में आते हैं कि क्या मैं फिजियोथेरेपी के लिए, मेरे पास बायोलॉजी नहीं है, क्या मैं बिना बायोलॉजी के फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिना बायोलॉजी के आप फिजियोथेरेपी की पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मेडिकल साइंस है जिसमें बायोलॉजी की बहुत ज़रूरत होती है। क्या फिजियोथेरेपी करने के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब्स लगेंगे? तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स की तो सब फील्ड्स में कमी है, इंजीनियरिंग में भी काफ़ी कमी हो गई है, और फिजियोथेरेपी में तो ये इवॉल्विंग कोर्स है, ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकलते हैं मगर इतने नहीं निकलते हैं जितना दूसरे प्रोफेशंस में निकलते हैं। तो इसमें ज़रूर गवर्नमेंट जॉब्स की स्कैरसिटी है, मगर फिर भी प्राइवेट में आप अपना करियर बना सकते हैं। आप अपना खुद का क्लिनिक सेटअप स्टार्ट करके आप एक सक्सेसफुल करियर फिजियोथेरेपी में आप बना सकते हैं। हमें IAP रिकग्नाइज्ड कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं? देखिए, धीरे 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 इतने सारे फिजियोथेरेपी कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, छोटे बड़े, आपके शहर में भी आप देख रहे होंगे कि लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि किस कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज में नहीं जाना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि IAP यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट जो है, ये एक प्राइवेट बॉडी है, ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। तो कोई भी कॉलेज अगर IAP से अफिलिएशन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इससे अफिलिएशन नहीं है तो भी इसमें डरने की बात नहीं है। आप उसके दूसरे क्राइटेरिया चेक करिए कि क्या वो कॉलेज UGC या फिर AICTE से अप्रूव्ड है। अगर वो UGC और AICTE से अप्रूवल है उसको, तो आप सेफली उस कॉलेज में अपनी फिजियोथेरेपी की डिग्री आप ले सकते हैं। आप इसके अप्रूवल कैसे चेक करेंगे? आप AICTE की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे जितने भी कॉलेजेस का लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप अपने कॉलेज, जो भी फलना कॉलेज है उसको आप खोजना चाहते हैं, वहाँ पे खोजें। अगर वो AICTE की अप्रूवल मिल गया है तो आप उसमें सेफली आप एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी के बाद आगे चल के हम हायर एजुकेशन क्या करें, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं। आप BPT करने के बाद आप मास्टर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होता है इसमें, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक होता है। और अगर आप MPT नहीं करना चाहते हैं तो आप हेल्थ से रिलेटेड दूसरे आप मास्टर्स डिग्री आप कर सकते हैं, जैसे कि मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब भी आप कर सकते हैं। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ काफ़ी अच्छा कोर्स है, आप इसके ऊपर में हायर स्टडीज़ आप कर सकते हैं। मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी के बाद आप PhD भी आगे जाके आप रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च स्कॉलर बनने के बाद आपका जॉब तो कोई भी बड़े यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर आपकी पक्की है। कई सारे BPT के स्टूडेंट्स हैं जो MPT करना चाहते हैं मगर कंफ्यूज्ड रहते हैं कौन सा कॉलेज चुने। तो MPT करने के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेजेस चुन सकते हैं, मगर उस वहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया आपको एग्ज़ाम्स को क्लियर करना होगा। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आप वहाँ पे दाखिला पा सकते हैं। तो कुछ चुनिंदा कॉलेजेस जो मेरे नज़र में है मैं आपको बताता हूँ। एक है SV निरतार जो कटक में है, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। उसके बाद कलकत्ता में NIOH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप। मुंबई में जो APMR है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, और दिल्ली में IPH है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड। ये सब कॉलेजेस आप MPT के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एंट्रेंस देने की ज़रूरत है। पुणे में DY पाटिल अच्छी कॉलेज है, वहाँ पे भी आप MPT कर सकते हैं। और बहुत सारे छोटे बड़े कॉलेजेस भी हैं जो MPT ऑफर करते हैं, मगर आप देख करके चुनें। अगर आप अपना करियर फिजियोथेरेपी में बनाना ही चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और मेरा एक वेबसाइट है, ब्लॉग है, उसको भी जाकर के आप पढ़े, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन फिर भी www.physiosunit.com है, उस वेब एड्रेस में आप जाइए। और फिजियोथेरेपी करियर से रिलेटेड और भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, आप स्क्रीन पे आप उसे जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।